और इस बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी जनसभा मुंगेर और उजियारपुर में आज नीतीश कुमार रैलियां करेंगे। मुंगेर उजियारपुर में प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे और मुंगेर लोकसभा से ललन सिंह के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट मांगेंगे। उजियारपुर लोकसभा से नित्यानंद के लिए वोट मांगेंगे सीएम नीतीश कुमार ललन सिंह और नित्यानंद राय के लिए सीएम नीतीश कुमार वोट मांगेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज मुंगेर में जनसभा है, और ऐसे में यह जनसभा और कितना बेहद है और क्या कुछ शेड्यूल है? निधि, और बता दें आपको, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर में जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह के लिए वोट मांगेंगे। उजियारपुर लोकसभा से नित्यानंद राय के लिए भी वोट मांगेंगे। और इस बीच मुंगेर में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी जनसभाएं हैं, और लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इसी दौरान मुंगेर और उजियारपुर में आज सीएम नीतीश कुमार रैलियां करेंगे। मुंगेर और उजियारपुर में प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट मांगेंगे। और हमारे साथ फोन लाइन पर गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, मुंगेर और उजियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज रैलियां है, और पूरे इन जनसभा और रैली को लेकर आज सीएम नीतीश कुमार की क्या है पूरी शेड्यूल? देखिए, जो खंड विहारी मैदान है मुंगेर में, वो वहाँ पे एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह के पक्ष में नीतीश कुमार जो है वोट मांगेंगे। इसके लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह 10:55 में ही उनका कार्यक्रम था, जिनको लेकर के ललन सिंह को लेकर के पिछले दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट की अपील की है। वैसे में आज फिर से एक बार नीतीश कुमार जो है एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह के पक्ष में अब वोट मांगेंगे। कहीं ना कहीं जो है अब जो दो यहाँ पे है, अनिता कुमारी आरजेडी प्रत्याशी और एनडीए के प्रत्याशी, ये दोनों में जो है टक्कर रहेगा। जी बिल्कुल गौरव, ऐसे में एनडीए प्रत्याशी और आरजेडी प्रत्याशी के बीच भी आपस में कांटे का टक्कर देखने को मिलेगा, और ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं मुंगेर और उजियारपुर में जनसभा कर रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ेगी आज की रैली में, जिस प्रकार प्रचंड गर्मी है, और ऐसे में क्या लगता है किस कदर भीड़ नजर आएगी इस सम्मेलन में? देखिए, यहाँ पे कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो है जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है, वो लोग यहाँ पे कम दिख रहे हैं। लेकिन जो दो यहाँ पे है, दो प्रत्याशी आमने सामने, इन दोनों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगा, आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल गौरव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।